गति भाग पांच, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ पर किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करना सीखा। इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के बारे में जानेंगे। पहले हम एक समान वेग में किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वेग गति के दौरान त्वरण और किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी में समीकरणों से कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। गति के तीन समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जहां u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s तय की गई दूरी है, a एक समान त्वरण है, t समय है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग और समय में संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय में संबंध दर्शाता है। तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर स्थिति और वेग में संबंध दर्शाता है। अब देखते हैं कि ग्राफीय विधि से इन गति के समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। हम पहले समीकरण से शुरुआत करते हैं, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इस वेग समय ग्राफ को देखो, जहां x अक्ष पर समय लिया गया है और y अक्ष पर वेग लिया गया है। इस ग्राफ के अनुसार वस्तु बिंदु A पर प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण से चल रही है और t समय बाद बिंदु B पर अंतिम वेग v है। माना कि वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। बिंदु B से x अक्ष और y अक्ष पर दो लंबवत रेखाएं क्रमशः BC और BE खींचो। अब OA प्रारंभिक वेग है, BC अंतिम वेग और OC समय अंतराल T है। वेग में परिवर्तन को रेखा BD से दर्शाया गया है, जहां BD बराबर BC माइनस CD। अब OC के समांतर रेखा AD खींचते हैं। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि BC बराबर BD प्लस DC बराबर BD प्लस OA। अब पिछले समीकरण में BC और OA का मान रखने पर हमें मिलता है V बराबर BD प्लस U, BD बराबर V माइनस U। ग्राफ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, A बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय बराबर BD बटा AD बराबर BD बटा OC। OC के स्थान पर T रखने पर हमें मिलता है A बराबर BD बटा T, BD बराबर AT, BD बराबर V माइनस U। BD के स्थान पर AT रखने पर हमें मिलता है V बराबर U प्लस AT। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं, स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण।
माना कि एक कार S दूरी को एक समान त्वरण A से T समय में तय करती है। ग्राफ में क्षेत्रफल OABC से कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। माना कि कार द्वारा तय की गई दूरी S है, इसलिए S बराबर OABC का क्षेत्रफल बराबर OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर OA गुना OC प्लस 1/2 AD गुना BD। OA बराबर U, OC बराबर AD बराबर T और BD बराबर AT रखने पर हमें मिलता है S बराबर U गुना T प्लस 1/2 T गुना AT बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तीसरे समीकरण पर चलते हैं, स्थिति वेग संबंध के लिए समीकरण। पिछले समीकरण में वेग समय संबंध के लिए हमने देखा दूरी S बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से S बराबर OA प्लस BC बटा 2 गुना OC। OA बराबर U, BC बराबर V और OC बराबर T रखने पर हमें मिलता है S बराबर U प्लस V बटा 2 गुना T। वेग समय संबंध से हम जानते हैं T बराबर V माइनस U बटा A। T का मान रखने पर हम दूरी को इस प्रकार लिख सकते हैं S बराबर V प्लस U बटा 2 गुना V माइनस U बटा A बराबर U प्लस V गुना V माइनस U बटा 2 A बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटा 2 A। 2 AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस वीडियो में हमने ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति के बारे में जानेंगे।